नमस्कार दोस्तों, ये जो खेल आपने देखा ये दिखने में तो ताइक्वांडो जैसा है लेकिन इसका नाम है हैपकिडो। बहुत प्रचार प्रसार इसका है कोरिया में मार्शल आर्ट के तहत और सेल्फ डिफेंस के लिए इसको बहुत प्रेफर किया जाता है, लेकिन अब इसका और ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय हैपकिडो संघ का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष बने हैं लखनऊ के बहुत ही मशहूर खेलविद डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे। तो किस तरीके से ये गेम है, कैसे स्कोरिंग होती है, कैसे गली मोहल्ले तक पहुंचेगा, इसको लेके हमने महासचिव रूप कमल नंदी और कोषाध्यक्ष अमनदीप यादव से खास बातचीत की है। ये जो गेम है ये साउथ कोरिया से आया है, वर्ल्ड जो ऑफिस है, जो मेन हेडक्वार्टर्स है वो साउथ कोरिया में है। तो हैपकिडो एक्चुअली मार्शल आर्ट्स में अभी था पहले, अभी ये स्पोर्ट्स है और इसमें ग्रिपिंग, पंचिंग और आपका किक ऑल चीज़ इसमें यूज होता है। टोटली हम लोग सब जूनियर, जूनियर, सीनियर एंड मास्टर्स। सर ताइक्वांडो से कैसे अलग है ये, कितना एक्चुअली अलग? मतलब ताइक्वांडो में सिर्फ लेग को ये करा जाता है और ओनली फॉर पंच, लेकिन इसमें किक, ग्रिपिंग, पंचिंग ये सारे कुछ मिक्स है। मैं अमनदीप यादव, कोषाध्यक्ष भारतीय हैपकिडो महासंघ और मैं सचिव हूँ उत्तर प्रदेश हैपकिडो एसोसिएशन में। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारा जो विज़न है वो बहुत परफेक्ट और प्योर है। हैपकिडो पिछले काफ़ी सालों से भारत में चल रहा है लेकिन कुछ लोगों की वजह से उसको मान्यता ही नहीं मिल पाई, वो पूरे भारत में फैल नहीं पाया। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और अभी हमारे कार्यकारिणी का गठन हुआ है, हम लोग पूरे भारत में हैपकिडो को बढ़ा रहे हैं और अभी हमारा जो हैपकिडो है 20 राज्यों में खेला जा रहा है और हमारी जो कोशिश है कि हम राज्यों से मंडल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल तक जाएँ, उसके लिए हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर है और हम लोग उसी के लिए अभी कोलकाता में एक सेमिनार कर रहे हैं पूरे इंडिया के लिए और उसके बाद ही हम आने वाले दिनों में एक फेडरेशन कप कराने वाले लखनऊ में, जिसमें से चुनिंदा बच्चे क्रोएशिया में यूरोपियन कप जो 2022 हो रहा है, फिफ्थ हैपकिडो कप, उसमें भारतीय दल प्रतिभाग करेगा। तो उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी मिनिस्ट्री और हम आईओ में इसको डाल पाएँ और इसी के लिए हमने अभी रिसेंटली हमारा एक दल जो है काठमांडू गया था, साउथ एशियन हैपकिडो फेडरेशन से हम मान्यता लेके आए हैं।